हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज के वीडियो में आज हम ये जानेंगे कि बेबी बॉय सिम्टम्स, बेबी गर्ल सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, जिससे कि महिला थोड़ा सा गैस कर सके, अनुमान लगा सके कि हमारा होने वाला प्यारा सा बेबी लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो आज के वीडियो में आज हम काफ़ी सारे ऐसे लक्षणों के बारे में जानेंगे जो लोग काफ़ी हद तक सही मानते हैं, और जो हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं वो अक्सर ऐसी बातें बताते हैं। तो वो कौन से सिम्टम हैं जो गर्ल और बॉय होने के होते हैं, आज इस वीडियो में फुल डिटेल में चर्चा होगी। वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें अगर आप जानना चाहती हैं, तो एक बार वीडियो को देख लेंगी, आपको पूरी सच्चाई, पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी होगी, इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी कोई भी गलत कदम ना उठाएं, इस वीडियो को सीरियसली बिल्कुल भी ना लें, ठीक है? क्योंकि इस वीडियो में हम सच्चाई भी जानेंगे कितने हद तक काम करते हैं, लेकिन आपको वीडियो तो पूरा देखना होगा ना, तभी तो आपको पूरी सच्चाई पता चलेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं पहले सिम्टम के बारे में। पहला जो लक्षण है वो है आपकी जो नाभि बटन होती है उसको लेकर। काफ़ी सारी प्रेग्नेंट लेडीज होती है जिनकी जो नाभि बटन होती है वो बाहर की साइड निकली हुई होती है, और काफ़ी गर्भवती महिला ऐसी होती हैं जिनकी नाभि जो बटन होती है वो अंदर की साइड होती है। अब डाउट गर्भवती महिलाओं के मन में ये होते हैं कि ये किस मतलब बेबी बॉय होने का इशारा होता है या गर्ल होने का इशारा होता है, तो हम नाभि बटन से कैसे पता कर सकते हैं? दोस्तों, माना जाता है कि अगर गर्भवती स्त्री की जो नाभि बटन है वो अंदर की साइड है तो ऐसे में चांस बेबी बॉय होने के होते हैं। वो इसलिए माना जाता है कि जो लड़का होता है वो नीचे की साइड में रहना ज़्यादा पसंद करता है, जो बेबी बॉय होते हैं वो नीचे की साइड में होते हैं, नाभि के नीचे हिस्से में। तो दोस्तों, जो हमारी नाभि बटन होती है वो अंदर की साइड होती है, वहीं जब हमने बेबी गर्ल को कंसीव किया होता है तो ऐसे में जो हमारी नाभि बटन होती है वो बाहर की साइड निकली हुई होती है। इसलिए माना जाता है कि ये लक्षण लड़का और लड़की होने का होता है, अगर आप में ऐसा हो रहा है तो। अब जान लेते हैं दूसरे लक्षण के बारे में। दूसरा जो लक्षण है वो ये है आपके पेट के आकार को लेकर। काफ़ी सारी जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनके पेट का जो आकार है या फिर तो गोल दिखाई देगा या फिर तो थोड़ा मटके के शेप में दिखाई देगा, लंबे आकार में दिखाई देगा। तो ऐसे में लोग ये संकेत बताते हैं कि अगर गर्भवती स्त्री का जैसे कि थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया है, जो तीसरा तिमाही होता है, अगर उसमें तीसरे तिमाही में अगर आपको बेबी जब पेट में अच्छे से बन जाता है, ग्रोथ हो जाती है तीसरे तिमाही में, तो हमें पेट का जो आकार है वो अच्छे से पता चलने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपके पेट का जो आकार है वो गोल शेप में है तो ऐसे में चांस बेबी गर्ल के होते हैं। वहीं पेट का आकार थोड़ा लंबा शेप में है, नीचे तरफ ज़्यादा आपको उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ बच्चा ऐसा लगता है आपको, हमारा जो बेबी है वो नीचे की तरफ ज़्यादा महसूस होता है आपको, तो ये संकेत बेबी बॉय होने का होता है। माना जाता है कि बेबी बॉय होने के टाइम हमारा पेट का जो आकार होता है वो निचले हिस्से में ज़्यादा होता है। अब जान लेते हैं नेक्स्ट सिम्टम के बारे में। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है आपके त्वचा को लेकर। अगर आपकी त्वचा, हाथ पैर बहुत ज़्यादा फट रहे हैं, प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी बॉडी में चेंजेस आते हैं, लेकिन काफ़ी सारे चेंजेस में से अगर आप में ये चेंजेस है, आपके हाथों की स्किन, आपके पैरों की जो स्किन है, पैर आपके फट रहे हैं, एड़ियां आपकी बहुत ज़्यादा फट रही हैं, तो ये संकेत भी बेबी बॉय होने का इशारा होता है। दोस्तों, माना जाता है कि बेबी बॉय होने के टाइम पर हमारे जो पैर होते हैं, हाथ होते हैं, और हाथों की जो त्वचा होती है, पैरों की त्वचा होती है, वो काफ़ी हद तक फटने लगती है, ड्राई हो जाती है, तो ये संकेत बेबी बॉय होने का इशारा है। और ऐसी स्थिति में मतलब इसके अपोजिट अगर आपके साथ बिल्कुल भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हाथ पैरों में बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं है, हाथ पैर बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते हैं, प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा स्किन ग्लो करती है, तो ऐसे में समझ जाना है ये कि गर्ल होने का संकेत है। तो गाइस, ये थे कुछ लक्षण जो लोग काफ़ी हद तक मानते हैं सही होते हैं।
लेकिन गाइस आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगी, ये जो लक्षण होते हैं सिर्फ हम गैस ही कर सकते हैं इन लक्षणों से, ये कभी भी 100% वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि गाइस हर महिला की प्रेगनेंसी अपने अपने हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो कभी कभी ये सही हो भी सकते हैं तो गलत भी हो सकते हैं। इसलिए आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको कभी भी 100% यकीन नहीं करना चाहिए कि ये बेबी बॉय और बेबी गर्ल होने के लक्षण होते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। अगर वीडियो की जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।